खबर है मिर्जापुर से। कछुआ पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। 35 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन के साथ 6 अंतर जनपदी गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। बताते चले कि पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग विगत कुछ दिनों से गांजा खरीद कर बिक्री करने का काम करते थे। गांजा को गोपालगंज बिहार से खरीद कर लाते और जनपद मिर्जापुर प्रयागराज व आसपास के जनपदों में बेचकर पैसा कमाते थे। गांजा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गांजा बिक्री के पैसे से ही पकड़ी गई कार सेंटरों तथा कार I-20 पर मोटरसाइकिल को भी खरीदा था। पकड़े गए अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार है। चंद्रमणि भटेवरा विंध्याचल हसन अली विंध्याचल आशुतोष उर्फ प्रिंस सेमरी मगरदा लालगंज राहुल कुमार मिश्रा सेमरी मगरदा लालगंज फिरोज अहमद गाजिया कंतित विंध्याचल इन सभी के पास से 100 किलोग्राम राजा एक सेंट्रो कार एक I-20 कार एक मोटरसाइकिल के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस बात की पूरी जानकारी दी। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। या सेंट्रो I-20 इसका इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन 6 अभियुक्त के साथ में 100 kg गांजा के साथ में ये सभी वाहन भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि जनपद मिर्जापुर एवं निकटवर्ती जो जनपद है उनके आसपास के एरिया में इनका वर्किंग था। बिहार से ये गांजा लेके आते थे और आसपास के बनारस प्रयागराज मिर्जापुर एवं आसपास के जनपदों में इसको बेचते थे। इस गैंग पे फर्दर कार्रवाई और भी की जा रही है।